आज वो टाइम आ चुका है जो टाइम हर एक क्रिकेटर की लाइफ पे आना चाहिए। मतलब हर एक क्रिकेटर तो चाहता है ये जिंदगी, मतलब ये पल अपने लाइफ पे आए। वो पल हमारे लाइफ पे आ चुका है। इंडिया के लिए हम लोग यहाँ पर टेस्ट डेब्यू करने वाले हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, एंड हमारा टीम का कैप्टन है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह के अंडर हमारा डेब्यू होने वाला है। यस गाइस, तो टेस्ट मैच पे डेब्यू होने वाला है यहाँ पर इंडिया कॉल्ड हेड्स। लेट्स गो, हेड्स गिरा है इंडिया ऑन द टॉस। तो क्या लगा हमारा जसप्रीत भैया, क्या लगा पता नहीं, देखते हैं। लेट्स सी यहाँ पर बॉलिंग करने का फैसला किया। ओके, टेस्ट डेब्यू होने वाला है, सेंचुरी मारना है अपन। मुझे यहाँ पर गेंदबाज मिल चुका है, बहुत बढ़िया। 9 ओवर के बाद ही गेंदबाज दे दिया। ओके, 33 पे एक, 9 ओवर के बाद गेंदबाज मिला है। पहला बॉल, अ नाइस स्टार्ट बॉल। गाइस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता तो लाइक कर देना। ब्यूटीफुल बॉलिंग यार, लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो। देखो यार, लाइक से ना मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए बोलता हूँ लाइक कर दिया करो। एंड डॉट बॉल, पहला ओवर यहाँ पर मैंने मेडन डाल दिया। इस वाली वीडियो पे 30 लाइक का गोल करता हूँ, होपफुली हो ही जाएगा। नाइस फील्डिंग। इस वाली वीडियो पे ये वाला टेस्ट मैच तो मैं पूरा करने वाला हूँ। व्हाट ए बॉल, लास्ट बॉल इस ओवर का शॉट, ब्यूटीफुल शॉट यार लास्ट बॉल पे। सिर्फ टाइमिंग किया एंड यहाँ पर 4 रन मिलता हुआ। 2 बॉल बाकी है इस ओवर में। सेकेंड बॉल कैरे, डैम गुड बॉल, ये बच गया। फोर्थ बॉल है इस ओवर का, लेट्स गो। यस लेट्स गो, विकेट मिल गया यहाँ पर बुनान का, बहुत बढ़िया। कैसे आउट हुआ, थिंक डिफेंस करने गया था, उसके बाद जूते पे लगा एंड कैच कर लिया। बहुत ही बेहतरीन विकेट यहाँ पर भाई, पहला विकेट, मिडन विकेट। ओ डिफेंस गॉन रॉन्ग यहाँ पर, एंड पहला विकेट मिलता हुआ मेरे को टेस्ट मैच के अंदर। यहाँ पर ब्रैथवेट को आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये शानदार बैटिंग तो कर रहा है फिलहाल। सेकंड स्पेल मिला ही यहाँ पर, पहला स्पेल मैंने 6 ओवर पे 9 रन देकर 1 विकेट लिया, 2 ओवर मेडन भी डाला था। एंड यहाँ पर 32 ओवर पे 98/3, एंड सेकंड स्पेल पे भी 1 विकेट तो लेना पड़ेगा यहाँ पर। शॉट डॉट बॉल, लास्ट बॉल इस ओवर का आउट भाई, अनदर विकेट, सेम कॉपी काट पेस्ट विकेट यहाँ पर। सेम बॉल था, सेम शॉट खेलने की कोशिश किया था, सेम तरीके से विकेट मिला। डिफेंस गॉन रॉन्ग अगेन भाई, यहाँ पर फिर से डिफेंस करने गया, लेकिन जूता, तुम लोग नंगा पैर पे खेलने आना ठीक है। चौथी बॉल कम ऑन, ओह भाई इतना सेक्सी बॉल था, क्या यार पकड़ लेना भाई, कैच कर लेते क्या दिक्कत था। ब्लैकवुड अच्छा बैटिंग कर रहा है, आउट होए, ब्लैकवुड अच्छा बैटिंग कर रहा था मैंने बोला, एंड ब्लैकवुड आउट हो चुका है यहाँ पर। ये कैसे आउट हुआ था, वैसे ये डिफेंस करने नहीं गया था, ये फ्लिक करने गया था यहाँ पर। ओके लेट्स सी क्या हुआ है यहाँ पर, फ्लिक करने गया, ठीक ठाक टाइमिंग नहीं कर पाया। अब बहुत बेहतरीन कैच दुबे साहब, डेब्यू करना है तो ऐसे करो भाई, एकदम खतरनाक तरीके से अच्छा शॉट लगाया है, पका लेना, 4 रन जाने नहीं देना ठीक है। मेरा बंदा तो भाई पूरा बुलेट बन चुका है इंटरनेशनल पे आके। वैसे मेरा बंदा बैटिंग ऑलराउंडर है ठीक है, बॉलिंग ऑलराउंडर भी नहीं, लेकिन जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहा है ना ये बुलेट, होल का बॉल था, कम ऑन कैच कैच इट। यस होल्डर भी गया, सेम कॉपी काट पेस्ट विकेट भाई, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। 4 विकेट मुझे मिल चुका है, बहुत बढ़िया बॉल था, डिफेंस करने गया एकदम, डिफेंस गॉन रॉन्ग। इस वाले वीडियो का टाइटल यही रहने वाला है, मुझे नहीं पता है वीडियो में आगे कुछ हो जाए तो टाइटल चेंज हो सकता है, अदरवाइज अभी के हिसाब से डिफेंस गॉन रॉन्ग। एक विकेट दूर हुआ अपना 5 से, एंड पहला 5 होगा टेस्ट मैच के अंदर, डेब्यू पे 5। ओके बैटिंग मिल चुका है भाई, उसके बाद मुझे बॉलिंग ही नहीं मिला, मैं करूँ तो करूँ क्या। एंड 168/4 42.2 ओवर पे। ओके लेट्स गो, पहला बॉल यहाँ पर अल्जरी जोसेफ की तरफ से, गुड डिफेंस। इंटरनेशनल पे पहली बॉल खेलता हुआ मैं, क्योंकि जो T20 सीरीज हुआ था या जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज हुआ था वहाँ पर तो मुझे साला बैटिंग मिला ही नहीं था। तो अफगानिस्तान के साथ आई थिंक T20 सीरीज नहीं था, वनडे सीरीज था प्रोबेबली, तो वहाँ पर तो बैटिंग मिला नहीं था। अब यहाँ पर मिला है तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ऑलरेडी ट्रेल बाय 11 रन। ओके इंडिया का 4 विकेट गिरा है, उनमें से भाई 3 विकेट अल्जरी जोसेफ ने ही लिया है। ओके गुड शॉट डॉट बॉल, एक शानदार नॉक तो बनता है गाइस। फोर्थ बॉल गुड शॉट, दैट्स ब्यूटीफुल। पहला रन मिलता हुआ मेरे को इंटरनेशनल के अंदर। ओके 2 रन, ओके नाइस। 11 बॉल पे 2 रन पे बैटिंग करो। ओके शॉट यार, व्हाट ए शॉट भाई, परफेक्ट कवर ड्राइव एंड दैट्स 4 रन्स, व्हाट ए कवर ड्राइव भाई। शॉट देखो एक बार, मजा आ जाएगा। होय 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 होय, व्हाट ए शॉट यार। बॉल बाकी है, शॉट यार, व्हाट ए शॉट, ब्यूटीफुल शॉट ड्राइव भाई, एकदम आग की गोली की तरह निकला है बैट से भाई शॉट भाई। एक तो कवर ड्राइव लगाया, एक स्ट्रेट ड्राइव लगाया, दोनों के दोनों शॉट देखना एकदम
चुम्मा वाला कवर अंदर है तो हवा में खेलना बनता है। एंड यहाँ पर छक्का जाएगा क्या? नहीं, वन बाउंस फोर रन। ओके, इस ओवर में ऑलरेडी 3 चौका मैंने लगा दिया। 16 बॉल पे 14 पे बैटिंग कर रहा हूँ। शॉट यार, ब्यूटीफुल, व्हाट ए शॉट। मुझे बैटिंग मिलता नहीं है तो आज बैटिंग जब मिला है तो भरपूर फायदा में उठाना चाहता था, बट फिलहाल हुआ नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर आउट हो गया। 18 बॉल पे 18 रन बनाया। ओके, मुझे यहाँ पर गेंदबाज मिल चुका है 10 ओवर के बाद, 28 पे 0। ओके, वैसे यहाँ पर इनिंग्स पे आई थिंक जीतने का मौका तो है। एक बार मैं स्कोर कार्ड चेक करना चाहता हूँ क्या सीन है। स्कोर कार्ड दिखा दे भाई। ओके, वेस्ट इंडीज अभी भी 216 रन पीछे है, तो 216 से पहले अगर वेस्ट इंडीज को ऑल आउट करा दिया जाए तो इनिंग्स पे हम लोग जीत सकते हैं। मुझे लग रहा है मैं बॉलर बन चुका हूँ भाई बैटिंग ऑलराउंडर से, क्योंकि मुझे विकेट मिल रहा है, रन नहीं मिल रहा है। कुछ मैच पे बैटिंग ही नहीं मिलता है, कुछ मैच पे बैटिंग मिलता है तो मैं रन नहीं बना पाता हूँ, लेकिन बॉलिंग हर मैच पे मिलता है एंड मैं हर मैच पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करता हूँ एंड विकेट भी दिलाता हूँ अपने टीम को। तो इसका मतलब समझ रहे हो दया, इसका मतलब मैं बैटिंग ऑलराउंडर से बॉलर बन गया। तीसरा बॉल इस ओवर का, डैम व्हाट ए बॉल, एज्ड 4 रन तो नहीं जाएगा। मेरे पास थोड़ा सा अलग प्लान है, इसीलिए मैंने साइड चेंज करके आया है। अब देखता हूँ साइड चेंज करने का फायदा होता है या नहीं। कम ऑन डूड, शॉट तो अच्छा लगाया भाई। यहाँ पर ब्रेथवेट पहला इनिंग्स में भी अच्छा खासा बैटिंग किया था, यहाँ पर भी अच्छा खासा बैटिंग कर रहा है। ब्रेथवेट को आउट करना पड़ेगा, रन आउट का चांस हो गया। ब्रेथवेट आई थिंक आउट हो गया, खुदकुशी कर लिया क्योंकि 2 रन नहीं लेना था। एंड संजू शमशान, आई थिंक दिस इज आउट। यस आउट, ब्रेथवेट गॉन। यस। तीसरा बॉल क्या, तीसरा बॉल था गॉन हो गया यहाँ पर बैट्समैन भाई। क्या ब्यूटीफुल बॉल था, गुगली बॉल था, स्ट्रेट ड्राइव लगाने गया था रॉस्टन चेस। डैम व्हाट ए बॉल भाई, ब्यूटीफुल कैच बाय संजू सैमसन, एज्ड एंड विकेट रॉस्टन चेस का मिलता हुआ। सेकंड बॉल इस ओवर का भाई, क्या बढ़िया शॉट लगाया यहाँ पर, एकदम आग के गोले की तरह चला गया। एंड 4 रन, कौन यार इसको आउट करना पड़ेगा। कैच इट, उन्होंने सोचा था हल्का सा ग्लांस कर देगा गैप पे निकल जाएगा, बट नहीं भाई नहीं हो पाएगा क्योंकि गेंदबाज मैं हूँ। ठीक है, जब मैं गेंदबाजी करता हूँ ऐसे शॉट मार नहीं मारने का। एंड यहाँ पर इजी सा कैच था। बॉल बाकी है, लेट्स गो। डैम व्हाट ए बॉल भाई, मेरा बंदा क्या सेक्सी बॉलिंग कर रहा है, एकदम मस्त बॉलिंग कर रहा है। कोई भी समझ ही नहीं पा रहा है क्या चल रहा है गेंदबाजी में, कैसे चल रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, नो वन अंडरस्टैंड। लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो। आउट LBW, नाइस, अनदर विकेट मिलता हुआ, थैंक यू सो मच अंपायर। सिर्फ एक विकेट चाहिए फाइफर कंप्लीट करने के लिए एंड ओशिनिश के पास 2 विकेट। यस, फाइफर। फर्स्ट इनिंग्स पे नहीं हुआ था बट सेकंड इनिंग्स पे हमने फाइफर ले लिया। यस, 200 रन तो ओशिनिश ने बना चुका है। कैच इट, 6th विकेट। एंड इसी के साथ वेस्ट इंडीज हो चुका है ऑल आउट एंड इंडिया ओन बाय इनिंग्स से जीत चुका है इंडिया। 9 ओवर 1 बॉल के अंदर 2 मेडन एंड भाई 6 विकेट, इन इंडिया ओन बाय इनिंग्स एंड 44 रन भाई। प्लेयर ऑफ द मैच तो मेरे को दे दो, प्लेयर ऑफ द मैच। यस भाई, जो गेंदबाजी किया ना, 10 विकेट लिया टोटल पूरा मैच के अंदर, तो प्लेयर ऑफ द मैच तो बनता है। स्माइल प्लीज, फोटो खींच लो यार, प्लेयर ऑफ द मैच अच्छे स्मैन को ले। बैटिंग पे खास कुछ कर नहीं पाया बट टेंशन नहीं करना, नहीं अपन बॉलिंग पे छा गया। पहला इनिंग पे 4 विकेट, सेकंड इनिंग पे 6 विकेट। वेलकम बैक टू द सेकंड टेस्ट मैच, इस वाली सीरीज का दूसरा टेस्ट एंड दिस इज द लास्ट टेस्ट। ये अगर जीत जाएंगे तो भाई हो जाएंगे हम लोग सीरीज विनर, अगर ये वाला मैच हम लोग हार गए तो भाई सीरीज ड्रॉ हो जाएगा। वेस्ट इंडीज टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का फैसला किया। आ चुका है भाई बेस्ट बॉलर, पहला मैच पे 10 विकेट भाई, क्या गेंदबाजी किया, पहला मैच पे 10 विकेट ले लिया दोनों इनिंग्स मिला के। ओ शानदार शॉट, वैसे ग्रीन पिच है, ग्रीन पिच पे 10 ओवर के बाद क्यों स्पिनर लेकर आ गया भगवान जाने। तीसरा बॉल है इस ओवर का, अबे भाई बोल्ड हो सकता था बट बच गया। ये वाला बॉल्ड पे बोल्ड तो हो सकता था, एच लगा एंड ओ भाई साहब बच गया भाई, एकदम देखो ओ भाई थोड़ा सा रह गया, ओ भाई बच गया। 2 विकेट गिर चुका है वेस्ट इंडीज का, दैट्स वेरी वेरी गुड, बट मेरा तो कुटाई अभी भी चल रहा है। 4 रन मार दिया पहली बॉल पे। फोर्थ बॉल इस ओवर का, कैच इट और मारोगे चौका, मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का बॉलिंग क्या कर दिया, तुम लोग ने चौका मारना स्टार्ट कर दिया, अब हम भी टाइट गेंदबाजी करेंगे तब कैसे चौका मारोगे हम भी देखना चाहेंगे। दूसरा बॉल है, कैच इट, टाटा टाटा
फिर से मुलाकात होगा सेकंड इनिंग्स पे। वेस्ट इंडीज के लिए ना मैं नाइटमेयर हूँ भाई, इतना विकेट लेता हूँ, इतना विकेट लेता हूँ, इतना विकेट लेता हूँ, किसी ने ना सोची होगी। बैटिंग मिल चुका है, पहला मैच पे 18 रन बनाया था अपुन ने, एंड उसके बाद तो साला बैटिंग मिला ही नहीं। सेकंड इनिंग्स पे वैसे इनिंग्स पे मैच जीत गया था, बैटिंग कैसे मिलेगा। 157/4 78 रन लीड हम दे चुके हैं। नाइस बॉलिंग। वैसे वेस्ट इंडीज की तरफ से अल्जडी जोसेफ ही विकेट ले रहा है, एंड यहाँ पर शॉट, नो रन, पथी बॉल, गुड शॉट, ब्यूटीफुल, चला जा भाई, चार रन, इतना बढ़िया ड्राइव जो लगाया, चार रन मिल तो जा, मिल गया भाई चार रन यहाँ पर। ये वाला टेस्ट मैच भी हम लोग इजीली जीत जाएंगे क्योंकि 82 रन का ऑलरेडी लीड हम लोगों ने दे चुके हैं, एंड यहाँ पर एक रन मिलेगा, बैकफुट पंच था, तो सीरीज तो हम लोग इजीली जीत जाएंगे। विनर तो लेकर आ चुका है, बट इसके सामने ना मैं काउंटर अटैक करने वाला हूँ। नाइस शॉट, ब्यूटीफुल स्वीप एंड फोर रन, 12 बॉल पे 12 रन पे बैटिंग करा, ओके शॉट, रिवर्स स्वीप भाई, हमारे पास स्वीप भी है, रिवर्स स्वीप भी है, हम किसी से डर तो नहीं है ब्रो। मेरा हाई स्कोर है 18 एंड मैं 16 पे बैटिंग कर रहा हूँ, नया हाई स्कोर सेटअप करना पड़ेगा, आई थिंक हो चुका है इस चौके के साथ, या 20 रन, मतलब नया हाई स्कोर। विनर के सामने काउंटर अटैक करना बनता है एंड मैं कर भी रहा हूँ इसीलिए। अबे छक्का जाना था ब्रो, अबे रोक लिया, इतना बढ़िया शॉट लगाया था फिर भी तुमने रोक लिया यार, ये तो गलत बात है भाई, मैं मेहनत करके शॉट मार रहा हूँ तो छोड़ दो भाई, छोड़ दो ना, जल्दी बॉल डालो रे, कल सुबह पनवे निकलना है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खेल रहा हूँ। दूसरा बॉल शॉट यार, 6 रन, चला जा भाई, एक तो छक्का मिल जा भाई, पहला छक्का इंटरनेशनल मैच के अंदर, बहुत ही बढ़िया पहला सिक्स। इंडिया का 200 रन कंप्लीट हो चुका है एंड 121 का लीड दे दिया, गजब बिज्जत है भाई, ओके एंड यहाँ पर इजिली एक रन, इसी के साथ मैं पहुंचता हुआ 38 पे, 50 रन तो बनाना है, मेडन 50। लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर शॉट, यहाँ पे यार चला जाना भाई गैप पे भाई, आउट है क्या, ओ माय गॉड, आउट नहीं होना था, मेरे साथ तो बीटी हो गया यहाँ पर यार, इतना बढ़िया खेल रहा था, मैंने सोचा मेडन 50 हो जाएगा, बात 38 पर रन आउट हो गया ब्रो। जल्दी मैच खत्म करना है इसीलिए 4 ओवर के बाद ही मेरे को बॉलिंग करने के लिए लेकर आ चुका है, गजब कैप्टन है भाई। मैं जिस हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहा हूँ ना, एक गाना गाने का मन कर रहा है, वो एक गाना है ना, या तेरा सुपरस्टार। मुझे पता है मैं मुंबई नहीं आ सकता हूँ, मेरा गला उतना बढ़िया नहीं है, गाने के लायक भी नहीं है, बट वो जो गाना है समझ जाओ। तीसरा बॉल इस ओवर का, यार तेरा सुपरस्टार, जब जब आएगा यार तेरा विकेट लेकर दिखाएगा यार तेरा। चौथी बॉल, लेट्स गो, यार तेरा सुपरस्टार, दो बॉल पे दो विकेट, ऑन अ हैट्रिक ब्रो, व्हाट ए गेंदबाजी भाई, मेरे को बॉलर बनना था लाइफ पे भाई। वैसे कैच मस्त लिया है, एक हाथ से स्लाइड करके एक हाथ से कैच पकड़ा है, व्हाट ए कैच, हैट्रिक बॉल, लेट्स गो, हैट्रिक बॉल, अबे यार हैट्रिक नहीं कर पाया। 3 ओवर पे 7 रन 2 विकेट भाई साहब, 3 विकेट 2 विकेट नहीं 3 विकेट, ठीक है। वेस्ट इंडीज का हालत तो बहुत खराब है गाइस, वैसे इस बार T20 वर्ल्ड कप पे क्वालिफाई भी नहीं किया था सुपर 12 के लिए, आउट है, नॉट आउट, ओके। 34/4, गुड शॉट, दैट्स ब्यूटीफुल शॉट यार, हैट्स ऑफ ब्रदर, हैट्स ऑफ, व्हाट ए शॉट, चौका मिलेगा या डेफिनेटली। लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर, ओ ब्यूटीफुल शॉट लास्ट बॉल पे, That's boundary, yeah, that's boundary. Second ball, let's go, let's go. अबे यार, हद है यार, इतना बढ़िया एज लग रहा है फिर भी विकेट नहीं मिला एज का। 7 ओवर मैंने गेंदबाजी कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर मेयर्स मेरे खिलाफ भाई अच्छा खासा बैटिंग कर रहा है ब्रो, क्योंकि अनदर बाउंड्री मार चुका है। 100 रन पे 6 विकेट तो गिर गया है, अभी भी बहुत सारे रन चाहिए। ओ डैम, व्हाट ए बॉल, व्हाट ए बॉल, एज लगा था, बट एज का फायदा क्या, जब 2 रन यहाँ पर भाग ही लेगा। होल्डर अच्छा खासा बैटिंग कर रहा है, 27 पे बैटिंग कर रहा है होल्डर, हो भाई क्या स्ट्रेट ड्राइव लगाया होल्डर ने मेरे खिलाफ। लास्ट बॉल, कम ऑन, व्हाट ए शॉट, होल्डर रुक जा भाई, रुक जा भाई, अच्छी बॉल। इस बॉल इनिंग्स पे मैं थोड़ा सा ज्यादा ही रन दे दिया भाई, अनदर ब्यूटीफुल बाउंड्री फ्रॉम जेसन होल्डर, महंगा साबित होता हुआ मैं। भाई यार तेरा सुपरस्टार, और मारोगे 4 रन और मारोगे भाई, 5 पर नहीं हो पाया एंड प्लेयर ऑफ द मैच भी मैंने नहीं बन पाया। प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके हैं हमारा कैप्टन जसप्रीत बुमराह, क्योंकि 4-5, अच्छा जसप्रीत बुमराह ने 5 ले लिया, 4 विकेट 5 विकेट 9 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिया, मैंने कितना लिया, मैंने 4 विकेट सेकेंड इनिंग्स पे लिया, पहला इनिंग्स पे मैंने कितना विकेट लिया था वैसे,
दिखा जाए तो दो विकेट हो, सिर्फ छः विकेट। दो टेस्ट मैच के बाद अभी भी प्लेयर ऑफ द सीरीज में मैं सबसे आगे हो, उसके बाद रिकी हुई है बट बहुत पीछे है। एंड सबसे हाईस्ट विकेट टेकर पे भी मैं आगे हूँ, 16 विकेट ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, उसके बाद जसप्रीत बुमराह 10 विकेट। ओके, नेक्स्ट मैच होने वाला है यहाँ पर वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया का वनडे सीरीज, 3 वनडे का सीरीज होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, देखता हूँ वो जो वनडे सीरीज होगा वो नेक्स्ट वाला वीडियो पे कवर होगा। तो गाइस इस वाला वीडियो इतना ही, अगर वीडियो पसंद आता है हिट द लाइक बटन, 30 लाइक का गोल है, फटाफट कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैच कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना, बहुत बढ़िया मेरे को मजा आया, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर बताना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।